एक पुजारी बैठा होया है, उहदे आले दुआले बहुत वड्डी गिनती विच लोकां दी भीड़ है। वो लोकां नूं कह रहा है, कहिंदा मैनूं तीन लोकां दे दर्शन हुंदे है, मैनूं शिवपुरी दिस रही है, मैनूं ब्रह्मापुरी दिस रही है, मैनूं इंद्रपुरी दिस रही है। जे तुसीं वी रब नूं वेखणा चाहुंदे हो ते तुसीं वी अपणियां अक्खां नूं बंद कर लवो। भारत एक ऐसा खिता है जिस खिते दे विच धर्म दे नाम दे उपर दुनिया नूं बहुत लुटिया गया, और सब तो सुखैन तरीका भी इत्थे है कि धर्म दे नाम दे उपर लोकां नूं छेती लुटिया जा सकदा है। और भारत दे ओह लोक है जिहड़े धर्म दे नाल नाल बहुत ज़्यादा भरमां ते भुलेखियां विच पै गए। इत्थे बाबर दियां फौजां चढ़ के आउण ते लोक तां वी मंत्र पढ़ी जांदे आ कि शायद मंत्रां दे नाल ही बाबर दियां फौजां अन्नियां हो जाणियां। ना ते ओह अन्नियां होईयां। आपां सोचदे हां कि इह गल्लां बहुत पिछे रह गईयां, क्योंकि 15वीं सदी दियां गल्लां ने, अज कल 21वीं सदी विच लोक सियाणे हो गए, साइंस दी गल हुंदी है। पर अज दी भी हालत जिहड़ी उदां दी है, इत्थे वड्डे वड्डे जहाज़ खरीदे जाण ते देश दा रक्षा मंत्री जिहड़ा उहनां जहाज़ां दे अगे निंबू टंगदा फिरदा है। पूरी दुनिया इहनां लोकां दे उपर हसदी है कि भारत दे इह लोक करदे की पए है। इदां ही उस वक्त लोगां नूं रब दे नाम दे उपर लुटिया जा रहा सी। पंडित कह रहा है कि मैनूं रब दिसदा है, जे तुसीं वेखणा है ते अपणियां अखां बंद कर लवो। सारे लोगां ने अपणियां अखां बंद कर लईयां। आपां वी चाहुंदे कोई फूक मार के रब विखा देवे, कोई अखां बंद करके रब विखा देवे। जदों सारे लोगां ने अखां बंद कीतियां, गुरु नानक साहिब महाराज कहन लगे, कहिंदे मरदानिया इह वेखदा पिया की हो रहा है। भाई मरदाना जी कहन लगे, हाँ महाराज इह की हो रहा है। सतगुरु कहन लगे, कहिंदे मरदानिया उस पुजारी उस पंडित दे सामने जो लोटा पिया है ना, जां लोटा चुक के उहदे पिछले पासे रख दे। मरदाना कहन लग्या, महाराज भीड़ बड़ी वड्डी है, जे किसी ने वेख लिया तो आपां नूं मारनगे। महाराज कहन लगे, कहिंदे सारे अखां बंद करके बैठे हुए है, तैनूं कोई नहीं वेखदा। गुरु नानक साहिब महाराज जी का बचन मन्निया। भाई मरदाना जी ने सामने वाले पास्यों वो लोटा चुकिया ते उस पंडित दे पिछले पासे रख दिता। हुण कारण की है? कारण है कि जदों उस लोटे दे विच पैसे पैंदे सी, टन टन की आवाज़ आउंदी सी, ते वो पुजारी कह रहा सी मैनूं रब दिखाई दिंदा है। हुण लोटे दे विच पैसे पैने बंद हो गए, टन टन की आवाज़ आउणी बंद हो गई। उस पुजारी ने एक अख खोल के चोरी जी अख दे नाल वेख्या कि लोटा भर गया है। जदों उन्हें देखिया तो सामने लोटा ना दिखाई दिता, वो गुस्से विच आया, क्रोध विच आया, कहन लग्या, कहिंदा कि तुसीं संतां दे नाल मशकरी कीती है, लोटा चोरी कर लिया, मैं तुहानूं शराफ दे के सारिआं नूं खत्म कर देवांगा। अज तक दुनिया नूं लुटिया ही इस नाम दे उपर गया भी शराफ ना दे दे कोई, कोई सानूं भैड़ा बचन ना कर दे जिहड़ा पूरा हो जाए। जदों पुजारी कहन लग्या, कहिंदा मैं शराफ दे के सारिआं नूं तैश नैश कर देवांगा, धरती जिहड़ी इहनूं खत्म कर देवांगा, लोक डरन लग गए कि ते सचमुच करनी वाला ये पुजारी जिहड़ा है कि ते सच्ची ना धरती खत्म कर दिंदा होवे। कहिंदा मेरा लोटा दे दिओ। गुरु नानक साहिब महाराज सब तो पिछे खलोते सन। बाबे ने बड़े प्यार भरी आवाज़ दे विच कहा, सतगुरु कहन लगे, पंडित जी तुहानू तीन लोक दिखाई देंदे सी। कहिंदा हाँ जी। महाराज कहन लगे, जे तीन लोक दिखाई देंदे सी, इह लोटा ते इसे लोक विच होएगा ना, इह ते तिन्नां लोकां विच किते नहीं चलिया गया, इसे लोक विच भी की, इह लोटा ते इन्हां लोकां विच ही होएगा। हुण अपणियां अखां बंद करो, अंतर ध्यान हुण के वेखो, हाँ भला लोटा कित्थे को गया है।
ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਰੋ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ, ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਭਲਾ ਲੋਟਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਪੁਜਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਖੇ ਕਿ ਲੋਟਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕਾਲ ਨਾਹੀਂ, ਯੋਗ ਨਾਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਸੱਤ ਕਾ ਢੱਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਲ ਨਾਹੀਂ, ਯੋਗ ਨਾਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਸੱਤ ਕਾ ਢੱਬ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੁੱਟਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇਹ ਸਾਰ, ਅੱਖੀਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੈ ਨਾਕ ਪਕੜੈ ਠੱਗਣ ਕੋ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਟਾ ਪਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਝੁੱਕ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।